से रिएक्शन शो करता है, दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, वो सारी तफसील आज हम देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो अल्कोहल तीन तरह के रिएक्शन देता है। सबसे पहले वो रिएक्शन जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। फिर सेकंड ऐसे रिएक्शन ये शो करेगा जिसमें ओ टू एच, अब अल्कोहल क्लास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोक्सल है, यानी कि हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। तो इसमें जो अल्कोहल जो रिएक्शन शो करती है या केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है वो तीन तरह करती है, यानी कि एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल का कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। दूसरे वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल का ओ टू एच बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और तीसरे कुछ अदर टाइप्स के रिएक्शन हैं जिसमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है वो शामिल है। तो पहले हम वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे अल्कोहल के जिसमें अल्कोहल का कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। अब अल्कोहल जो है वो जब भी दूसरे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो दो तरह से रिएक्शन देती है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें पहले कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और ये कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होता है, जब अल्कोहल पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होगी उसको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम देंगे। और ये न्यूट्रल भी हो सकता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी कि न्यूट्रल में अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, वाटर, अमोनिया, यानी कि जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और या दूसरा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन हो, यानी कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, तो वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि इसमें जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी वो अल्काइल ग्रुप बनेगी। कौन सी स्पीशीज बनेगी, अल्काइल ग्रुप। तो जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो फिर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है हमारे पास डिफरेंट अल्कोहल में, तो वो यही ऑर्डर आता है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होगी सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होगी प्राइमरी अल्कोहल से। टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में मैंने आपको डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन जो है वो बता दिया था लास्ट टाइम, कि टर्शियरी अल्कोहल में जो आपका हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर आगे तीन कार्बन के साथ अटैच होगी, और सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर आगे दो कार्बन के साथ अटैच होगी, और प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर एक या किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगी। तो जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो उसमें इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या बनती है, अल्काइल, यानी कि कार्बोकेटाइन बनता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो आता है वो किसका ज्यादा आता है, टर्शियरी अल्कोहल का ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का ज्यादा आता है प्राइमरी अल्कोहल। अब इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि अगर हम इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस मेथड। तो अगर हम इसकी कार्बोकेटाइन की जो हमें टर्शियरी अल्कोहल से हासिल हो रहा है या सेकेंडरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बन रहा है या और प्राइमरी अल्कोहल से जो बन रहा है,
उन तीनों की अगर हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी मिलेंगी हमें, टर्शरी अल्कोहल की। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो जब रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा की गई कार्बोकेटायन की, तो जो टर्शरी कार्बोकेटायन था उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। अच्छा, अब दूसरे रिएक्शन है ऐसे रिएक्शन जिसमें ओ टू एच बॉन्ड ब्रेक होगा। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने बात बताई है लास्ट आपको कि कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ओ टू एच बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो ओ टू एच बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो मोर रिएक्टिव होगी एज कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल जब ओ टू एच बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ओ टू एच बॉन्ड की ब्रेकिंग कब होगी, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, लास्ट टाइम आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। और उसकी रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि आप अगर अल्काइल हैलाइड में या अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल आपको दी थी कि उसमें हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो वो कौन सी स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल। तो उस रेफरेंस के साथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी बनती है, प्राइमरी अल्कोहल की, फिर उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की, फिर उसके बाद टर्शरी अल्कोहल। असल में बात यह है कि इसमें जो रिएक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें जो मेजर स्टेबिलिटी फैक्टर हम जिसे रिप्रेजेंट करेंगे वो स्टीरिक हिंड्रेंस है, यानी कि टर्शरी अल्कोहल में तीन अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं हाइड्रोक्सल उस कार्बन के साथ जो फर्दर हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उस कार्बन के साथ जो फर्दर हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच होती है, और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता है जो फर्दर हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ उस कार्बन के साथ जो फर्दर हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो इसमें टर्शियरी अल्कोहल में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइमरी अल्कोहल में स्टीरिक हिंड्रेंस ना होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कब आएगा, जब अल्कोहल का ओ टू एच बॉन्ड ब्रेक होगा, और ओ टू एच बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अच्छा, अब हम कुछ रिएक्शन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। यानी कि पहले ऐसे रिएक्शन है अल्कोहल के जिसमें अल्कोहल का कार्बन टू ओ बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी कि पहला रिएक्शन आप देखें, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड का नाम देते हैं। ये देखिए, जब R बॉन्ड OH जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड की मौजूदगी के साथ, इसकी मौजूदगी में, पिरिडीन की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे, अल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये देखें, इसमें अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो इधर रिएक्टेंट में अल्काइल ग्रुप के साथ कौन सा एटम अटैच है, ऑक्सीजन, लेकिन इधर कौन सा एटम अटैच है, क्लोरीन। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि कार्बन टू ओ बॉन्ड की क्या हुई है, ब्रेकिंग हुई है। यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, अटैक किया है, और न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन होगा, क्लोराइड नेगेटिव। अच्छा, आप सेकंड रिएक्शन देखें, आप जब अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगी, HCl के साथ, किसकी मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, ZnCl2 की मौजूदगी में अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगी
तो इसमें भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इधर से OH आया, इधर से H आया, तो क्या बन गया, वाटर। ये Cl इस अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी, तो क्या बना देगी अल्काइल क्लोराइड, क्या बना देगी, अल्काइल क्लोराइड। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। इसी तरह थर्ड रिएक्शन भी न्यूक्लियोफाइल की ही एग्जांपल्स है। इसमें भी R बॉन्ड हुआ जो कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी मौजूदगी में, थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो क्या बनाएगा, अल्काइल अमाइन। यानी कि इसमें भी कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड की क्या हुई है, ब्रेकिंग हुई है, ठीक है। इधर से OH आया और अमोनिया में से एक H निकला और इस OH और H के साथ कॉम्बिनेशन से ये वाटर बन गया, और पीछे जो NH2 था वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, अल्काइल अमाइन बना देगा। इसी तरह अब दूसरे रिएक्शंस हैं जिसमें अल्कोहल का O2H बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम अल्कॉक्साइड बनता है, और साथ कौन सी गैस खारिज होती है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर बिफोर द रिएक्शन देखें तो इधर सोडियम के ऊपर जीरो चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इधर लॉस किए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ने गेन किए, तो उस फॉर्म में ये हाइड्रोजन गैस बनी है। तो पीछे ये इथॉक्साइड आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन था, वो मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम इथॉक्साइड आयन। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। अब ये देखें, इधर अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इधर अल्काइल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। असल में जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट कंपाउंड है ये बिलोंग करते हैं ऑर्गेनो मेटैलिक हैलाइड, यानी कि अल्काइल इसमें ऑर्गेनो और मैग्नीशियम मेटैलिक और एक्स क्या है, हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस अल्काइल के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो ये रिएक्शन होगा किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में, ईथर एक्ट एज द सॉल्वेंट। तो ये अल्काइल के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और क्या बना देगा, अल्केन। पीछे क्या बच जाएगा, इधर से MgX बच जाएगा और इधर से OH OR बच जाएगा, वो इस Mg के साथ मिलकर ये कंपाउंड बना देंगे। तो जब भी अल्कोहल ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर अल्केन प्रोडक्ट बनेगा, और ये किस रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी जिसमें अल्कोहल का O2H बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा होगा, इन्वॉल्व हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यानी कि जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है और इसे हम ऑर्गेनिक एसिड का भी नाम देते हैं, और इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम ईस्टर कंपाउंड का नाम देते हैं। और इसकी क्या करैक्टराइजेशन है कि ये फ्रूटी स्मेल रखते हैं, और ये इसको हम बाज आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवर के तौर पर भी, क्योंकि इनकी फ्रूटी स्मेल होने की वजह से इनको फ्लेवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये देखें, ये अल्कोहल है और ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल ली है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आओ बॉन्ड OH। तो ये देखें अल्कोहल में से ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और इधर से OH आएगा। एसिड से क्या आएगा, OH, और अल्कोहल से क्या आएगा, H। तो ये OH और H मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। पीछे ये कंपाउंड बन जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड आओ बॉन्ड OR। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया,
ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे, ईस्टर कंपाउंड का नाम देंगे। और ये भी उस रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें अल्कोहल का ओ टू एच बॉन्ड क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है। और ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है वो एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा, यानी कि ये कौन से कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा रिएक्शन, एसिड कैटालिस्ट एच पॉजिटिव आयन की मौजूदगी। और कैटालिस्ट तो आपको पता है जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इनहांस कर देते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अच्छा, कुछ दूसरे टाइप्स के भी रिएक्शंस हैं अल्कोहल के जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन इनसे बनता है, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट देम इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेस्ट suited reagent is acid dichromate, के जो बेहतरीन reagent है oxidation करवाने के लिए वो dichromate है। क्या potassium dichromate का पहले किसके साथ reaction करवा दें, sulfuric acid के साथ, तो पहले potassium dichromate sulfuric acid के साथ react करके क्या बनाएगा, potassium sulfate, chromium sulfate, water और atomic oxygen। वो जो atomic oxygen बनेगी वो इस OH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगी, कार्बोनाइल ग्रुप में, यानी कि इससे पहले क्या बनेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। यानी कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, और टर्शरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट और डिफरेंट होगा। प्राइमरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सल उस कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर आगे एक कार्बन या किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, फार्माइल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फार्माइल फंक्शनल ग्रुप में बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आओ बॉन्ड एच ग्रुप होगा, और कार्बो जो कीटोन है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों अतराफ क्या अटैच होते हैं, अल्काइल ग्रुप, यानी कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आओ बॉन्ड आर और दूसरी साइड पर भी आर अटैच होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से बनती है एल्डिहाइड, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसकी उससे क्या बनेगी, कीटोन बनेगी, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगी ऑक्सीडेशन की तरफ, यानी कि उससे उसकी कोई ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगी, और अगर करवा भी दे तो उससे कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। इस ये एक रिएक्शन की एग्जांपल है जिसे हम नाम देते हैं डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन, यानी कि सल्फ ऑक्सीडेशन और सल्फ रिडक्शन रिएक्शन। उसके नतीजे में क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो जब हम टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में अल्कीन बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। और उसके लिए कौन सी कंडीशन हम यूज करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करवा देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं, तो उससे एटॉमिक ऑक्सीजन लिबरेट होती है, वो आगे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाती है। जी बच्चे, आगे रिएक्शंस है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकल जाना, तो वो डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन के लिए हम जो कंडीशन मेंशन करते हैं कि आप कंपाउंड को हीट प्रोवाइड कर दें या डिहाइड्रेटिंग
एजेंट अप्लाइड करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फास्फोरस डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे कौन सी नेचर रखते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखते हैं, यानी कि ये दूसरे कंपाउंड में से जो है वो वाटर को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आ गई बात की? तो इसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम देंगे, और रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब हम इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए एजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपने शायद चैप्टर 4th में ये आर्टिकल डिस्कस किया हो, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने एक प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस की होगी एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि नमकश एजेंट, या दूसरे कंपाउंड में से वाटर को अब्जॉर्ब करने वाला एजेंट। तो इथाइल अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके, जब टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कीन, और साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर लो करें और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करें तो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई इथाइल ईथर। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा। जब लो टेम्परेचर हम यूज करेंगे, लो टेम्परेचर मेंशन करेंगे, इधर हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इधर 140 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इधर देखें प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया। हाई टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है? अल्कीन। और लो टेम्परेचर पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है? डाई इथाइल ईथर। बड़े ये प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों हुए हैं? एक तो आपको सामने ही वजह इसकी नजर आ रही है कि इधर टेम्परेचर हाई था, इधर टेम्परेचर क्या है? लो। दूसरा एक इसका मैकानिज्म है, अगर आप इसका मैकानिज्म स्टडी करें तो दोनों का जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन है वो क्या है? डिफरेंट है। उसकी वजह से इधर अल्कीन बन रही है और इधर क्या बन रहा है? डाइथाइल ईथर। रिएक्शन विद फास्फोरस हेलाइड। फास्फोरस के दो हेलाइड्स हैं, ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4th में डिस्कस किया था, हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो दो फास्फोरस के हेलाइड हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दोनों में फर्क देखें, इधर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, इधर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अगर वैलेंसी के रेफरेंस से चेक करें तो इधर फास्फोरस की वैलेंसी 3 है और इधर फास्फोरस की वैलेंसी क्या है? 5 है। अब ये भी वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी कि जब फॉर ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि अल्कोहल जो है वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में 3 क्लोरीन एटम है और इधर हमें कितने अल्कोहल के यूनिट लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। ये 3 अल्काइल ग्रुप 3 क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 3 अल्काइल क्लोराइड। और साथ इधर से 3OH इधर से फास्फोरस के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे? फास्फोरस एसिड। क्या बना देंगे? फास्फोरस, H3PO3 को हम फास्फोरस एसिड का नाम देंगे। तो ये भी किस रिएक्शंस के एग्जांपल्स है जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। दूसरा ये रिएक्शन है अल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, इसमें क्या होगा कि अल्कोहल जो है इधर से कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल जो अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है इधर PCl5 में से 1 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल क्लोराइड बना देगा। ठीक है, इधर से H जो है दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। पीछे जो है वो क्या बच जाएगा? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड POCl3। इसमें भी फास्फोर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, बाकी 3 क्लोरीन एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये वो रिएक्शंस हैं रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड के।
अल्कोहल के फास्फोरस हेलाइड के साथ किसकी एग्जांपल में आ रहे हैं ये, जिसमें कार्बन टू ऑक्सीजन बांड क्या होगा, ब्रेक होगा। जी बच्चे, वैलेंसी से पहले मैंने ये बताया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं पेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के किसी एलिमेंट के एटम के ऊपर जो चार्ज असाइन हो जाए उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। तो PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है। इधर +3 है और इधर +5 है। और दूसरा अगर वैलेंसी चेक करें तो वैलेंसी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, के एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद है उसे हम वैलेंसी का नाम देते हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 3 है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस की वैलेंसी 5 है। और अगर ऑक्सीडेशन के स्टेट की टर्म में बात की जाए तो PCl3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जी बच्चों, आज हमने डिस्कस किया अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं अब आप लोगों को म्यूट करूंगा, आप में किसी का जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं।